नरसिंह यादव बार बार कह रहे हैं कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। आखिर कौन है जो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है? उनके रसोइये चंदन यादव ने अब एक बड़ा राज खोला है, उससे भी कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। नरसिंह का दावा इसलिए भी सही हो सकता है क्योंकि उनके कुक चंदन यादव ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। हरियाणा के सोनीपत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैंप में नरसिंह ट्रेनिंग ले रहे हैं। चंदन के मुताबिक पिछले महीने 5 जून को जब वो नरसिंह के लिए रात में खाना बना रहे थे तो उन्होंने तड़का लगाया था। इसी दौरान वो टमाटर लेने के लिए बगल के स्टोर रूम गए थे। इस दौरान एक लड़का आया और उसने तड़के में कुछ मिला दिया। जब वो लौटकर वापस आए तो उन्होंने तड़के में अजीब तरह का केमिकल और धुआं उठते हुए देखा। चंदन का कहना है कि लड़के को मेस में मौजूद दो लड़कों पंकज कुमार और विजय कुमार ने भी देखा था। हालांकि शक होने पर नरसिंह ने यह खाना फेंक दिया था। हो सकता है कि इस तरह की साजिश बाद में भी हुई हो जो पकड़ में नहीं आई हो। मैंने उसे देखा और मैंने मैस वालों को पूछा कि आप लोग ने डाला, तो उन्होंने बोला नहीं हम ऐसा क्यों करेंगे। तो मैंने बोला और बाकी तो वही लड़का था, तो मुझे उसी ने मतलब डाला है ये, तो फिर हम उसको मतलब देखे और मतलब फेंक दिया। फिर मैंने मतलब बताया भी मैस वालों को, देखो ऐसा हो गया है, सबको बताया जो मतलब जितने भी काम करते हैं मैस में उस समय थे, जो रोटी बना रहे थे बाकी, उन्होंने भी बोला हाँ भैया वही लड़का था, बस एक ही लड़का था। सूत्रों के मुताबिक सोनीपत कैंप की इंचार्ज एक महिला पर भी शक जताया जा रहा है। नाडा के दो अधिकारियों पर भी शक की सुई घूम रही है। नरसिंह यादव ने इसकी शिकायत भारतीय ओलंपिक संघ से की है। संघ का कहना है कि नरसिंह के ओलंपिक में जाने पर फैसला गुरुवार तक आ सकता है और संघ ने साफ कर दिया है कि नरसिंह यादव की जगह दूसरे कोई पहलवान को ओलंपिक में नहीं भेजा जाएगा क्योंकि नाम वापस लेने की तारीख निकल चुकी है। संघ ने प्रधानमंत्री मोदी को भी नरसिंह यादव की शिकायत की कॉपी सौंप चुका है। ये दो कैंपों के बीच की लड़ाई मान ली जाए, वो अलग विषय। क्या ये दो कैंप के बीच वो अलग विषय? वो अलग विषय है कि सब जानते हैं सबका क्या सोचना है, वो अलग है। लेकिन हमारे तरफ से किसी खिलाड़ी का वो नहीं है। हम जो नरसिंह यादव ने जो शिकायत की है, उस शिकायत को मैंने भारत सरकार के उच्च स्थान पर मैंने पहुँचा दिया। वहीं खेल मंत्री विजय गोयल का कहना है कि नरसिंह को फिलहाल अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है, हालांकि अंतिम फैसला नाडा को ही करना है। अभी पूरी जांच इसलिए नहीं हुई है कि जो एक प्रेजेंटेशन और है वो और चेक हो जाएगा, उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगी कि नरसिंह यादव जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। आखिर हम हर मामले में इतनी लापरवाही क्यों करते हैं? हमारे हर मामले में सब चलता है क्यों हो जाता है? क्या यही वजह नहीं है जिससे ये विवाद यहां तक पहुंचा? क्या इस बार समय पर इसकी जांच होगी? क्या दोषियों को सजा होगी या फिर वही लापरवाही और वही सब चलता है रहेगा?